भाई वाह वाह वाह, दो वीडियोस तो इन्होंने एक ही गाने में बना दी, एक को थोड़ा सा पैरोडी बना दी थी और दूसरा वही था लिखे जो खत तुझे। तो कुछ सुबह सवेरा जब हुआ तो वो जूते होते हैं ना, वो उसके लिए वो कहते हैं वो जूत पड़ गए, जो रात आई तो फिर खटिया पे बाहर बैठ के सो गए। और क्या, क्योंकि अब्बा ने घर में तो घुसने नहीं दिया होगा, तुमने खतों में ऐसी ऐसी चीजें लिख दी होंगी। ये भी एक दौर हुआ करता था जनाब, वो नीचे कबूतर बने हुए होते थे, ऊपर दिल बने हुए होते थे दो, उसमें खुशबू वाली स्याही वाले पेन आया करते थे, उससे खत लिखा जाता था। फिर मोहल्ले के एक बड़े ही शरारती बच्चे को, इस शरारती के साथ एक और लफ्ज भी इस्तेमाल होता है वो आप बेहतर जानते हैं, उस बच्चे को पकड़ा जाता था और उससे कबूतर के फराइज अंजाम दिलवाने के लिए उसकी मुंह मांगी रकम अदा की जाती थी, जो कि उमूमन मोहल्ले की वीडियो गेम के 5 से लेकर 10 टोकन हुआ करते थे। खैर, ये भी एक दौर था, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। आजकल मोटी नहीं कहते भाई, हाँ चबी, नहीं नया वर्ड निकला है चबी, सुनने में भी अच्छा लगता है, कहने में भी अच्छा लगता है। हेल्दी तो हो गया वही खाने पीने वाले, मतलब फुल सेहतमंद, अब वो नहीं, चबी इज द न्यू वर्ड। बाकी आशिकों में जिसका टाइटल टाइटैनिक, क्यों भाई, वो कोई लियोनार्डो डिकैप्रियो है, डिवेंची है, कौन है, मतलब कर क्या रहा है वो, पेंटिंग बना रहा है, कर क्या रहा है जो उसका टाइटल टाइटैनिक है, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको अगली वीडियो बनाकर भेजनी पड़ेगी ये बताने के लिए कि उसका टाइटल टाइटैनिक क्यों है। भाई वाह, इस जवान ने अपने आप को वो कोई मिल गया का जादू, जो कि एलियन था डस्टबिन की शक्ल वाला, वो डिक्लेयर कर दिया है खुद ही, बोला लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, मतलब लोगों में काउंट ही नहीं कर रहा अपने आप को। तो क्या, एरिया 51 से आया हूं मैं, उड़न तश्तरी में, जिसको UFO कहते हैं ना, उसमें आया है ये बंदा। खैर ठीक है, क्या कह सकते हैं, भाई साहब का फैशन भी खराब हुआ हुआ था, सही कर लेंगे। उंगली से गोली मारे लड़का, कमाल, क्या बात है। पहले हम कहा करते थे एक माशरे में मुंह के फायर, हाँ जी, ये उंगली के फायर है, ये मुंह के फायर से भी बड़े फायर है, आप समझ सकते हैं ये किस किस्म के फायर है। भाई वाह वाह वाह, ये बेहतरीन किस्म का जो है वो पाकिस्तान टूर इन्होंने अपनी वीडियोस के अंदर हमें दिखाया है, और बड़ी अच्छी सीनरीज भी थी मेरे ख्याल में, इतनी खूबसूरत जगह के ऊपर इतने अच्छे माहौल में आप लोगों को वीडियोस बनाने में वक्त जाया नहीं करना चाहिए। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।